हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आरसी ऑनलाइन क्लास क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। वी आर कंटिन्यू डिस्कस चैप्टर 3। टुडे वी आर डिस्कस सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीनोमियल। एक्सटीरियर एंगलों का सम क्या होगा गिवन पॉलीनोमियल। फॉर एग्जांपल, गिवन पॉलीनोमियल हमारे पास, इसमें एक्सटीरियर एंगल 1, 2, 3 ये गिवन पॉलीनोमियल है हमारे पास। एक्सटीरियर एंगल 1, 2, 3, अब इनका जो सम है वो कितना होता है 360 डिग्री। एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 = 360 डिग्री। ऑलवेज रिमेंबर सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीनोमियल। गिवन पॉलीनोमियल में अगर एक्सटीरियर एंगल का सम करें तो ऑलवेज किसके इक्वल होगा 360 डिग्री। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो ईच एक्सटीरियर एंगल्स ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीनोमियल। अगर हम किसी एन साइड पॉलीगन की बात करें और ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना हो तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम, 360 डिग्री डिवाइड में 360 डिवाइडेड में n। अब फॉर एग्जांपल, जैसे थ्री साइडेड पॉलीगन की बात करें, अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास साइड है 3, तो उसका ईच एंगल हमें फाइंड करना है। तो 360 डिग्री में हम किसका डिवाइड कर देंगे, 3। जितनी साइड होती है उसी का डिवाइड कर ईच एंगल हम फाइंड कर सकते हैं, वो भी एक्सटीरियर एंगल। 360 में 3 का डिवाइड करेंगे, 3 × 3 = 6, 120 डिग्री ईच एंड। तो ट्राइंगल के अंदर थ्री साइड मीन्स क्या हो गया, ट्राइंगल के अंदर ईच एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री होगा। इट मीन्स ये भी 120 डिग्री, ये ट्राइंगल है तो ये भी 120 डिग्री आएगा और ये भी 120 डिग्री। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास फोर साइड के लिए हम यूज कर रहे हैं, फोर साइडेड पॉलीगन की बात करें और हम उसमें फाइंड करना चाहें ईच एक्सटीरियर एंगल फोर साइड। तो फॉर्मूला हम 360/n यूज करेंगे, n यहाँ पर हमारे पास अब 4 है, 360/4 का डिवाइड करेंगे 90 डिग्री ईच, एक्सटीरियर एंगल क्या आएगा इसमें 90। अब फोर साइड आपके पास होता है, देखिए ट्राइंगल भी हो सकता है हमारे, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, फोर साइड हमारे पास, तो एक्सटीरियर एंगल हमारे कितना आएगा 90। इसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने रेक्टेंगल ड्रॉ किया, तो एक्सटीरियर एंगल हमारे पास देखो, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले ही, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90, ये 90 90 90, ये 90। तो ऐसे ही हम किसी भी साइड का आपके पास गिवन हो एन साइडेड पॉलीगन के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो 360/n, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड। इसके बाद देखिए एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं। फाइंड x इन द गिवन फिगर। फिगर हमारे पास गिवन है 125 डिग्री 125 डिग्री एक्सटीरियर। अब देखिए गिवन फिगर में जो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल्स गिवन है, इससे पहले हमने अभी देखा था सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है गिवन पॉलीनोमियल में 360 डिग्री, तो उसी को अप्लाई करेंगे। इट मीन्स जो गिवन एक्सटीरियर एंगल है उनका सम करेंगे और 360 के इक्वल कर देंगे, तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा इसमें 125 डिग्री + 125 डिग्री + x डिग्री इसके इक्वल कर देंगे 360 डिग्री के इक्वल। अभी देखा था हमने सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इसके इक्वल होता है 360 डिग्री के। थ्री एंगल्स का हमने सम किया और उसको 360 डिग्री के इक्वल किया। 125 + 125 + करेंगे 250,
प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री, प्लस के 250 को आरएचएस पर ट्रांसफर करेंगे माइनस का हो जाएगा, एक्स डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, माइनस करेंगे 360 में से 250 डिग्री, देन एक्स जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो आएगी माइनस करने पर 110 है, दैट इज आंसर। एक्स की वैल्यू क्या आई हमारे पास 110। देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स। जैसे इससे पहले हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीगन is equal to 360 degree upon n, 360 में n का डिवाइड करके हम each exterior angle किसी भी पॉलीगन का फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि हमने इससे पहले डिस्कस किया। अब इसी फॉर्मूले में यूज करेंगे 9 sides, then each exterior angle of 9 sided या 9 साइड्स पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन की बात करें तो रेगुलर ही लाइट कर दें, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रेगुलर पॉलीगन 360 डिग्री अपॉन 9, 360 में 9 का डिवाइड करेंगे, 9 फोर जा 33, 940 डिग्री। ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ 9 साइडेड रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा, 40 डिग्री।